मैं आज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जबकि जीवन में मैंने बात कभी कभी नहीं कही, आज मेरी जान चली जाएगी यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई इन तस्वीरों में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ धरने पर बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं। इको गार्डन में चल रहे धरने का आज 70वां दिन है, यानी पिछले 70 दिन से बहुजन समाज के सैकड़ों कैंडिडेट अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। इस आंदोलन को अपना समर्थन देने आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इको गार्डन पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बैठकर उनका हौसला बढ़ाया और आजाद ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया। वो तो अपना आदमी बिठाएगा, तुम्हारे आदमी क्यों देगा? तो ये सारा सिस्टम ही है ना, इसलिए है कि किसी तरह से तुम्हें जो सिस्टम आरक्षण की वजह से तुम लोग स्थापित हुए हो, SC ST OBC के लोग, तुम्हें सिस्टम से निकाला जाए और सिस्टम में इनके लोग बैठे। और जब इनके लोग बैठेंगे तो इनकी बात होगी। आज बताओ, इनकी सरकार है, अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? भाई पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है ना, वो तो मैंने नहीं माना, वो तो इन्होंने माना, उसने माना ना कि घोटाला हुआ है। जब घोटाला हुआ है यानी कि अपराध हुआ है, अपराध हुआ तो अपराधियों को सजा देने की बजाय और पीड़ितों को न्याय देने की बजाय क्यों अपराध को रोक रहे हो? तो ये सिर्फ सत्ता के दम पे कर रहे हैं। अच्छा देखो, पुलिस में तो हमारे लोग भी अभी यहाँ जो लगाए होंगे ना, वो 100% कह रहा हूँ, SC ST OBC के लोग होंगे, सत्ता लगा लो आप, ज्यादातर वही लोग भिड़े तो इनसे भिड़े, और ऑर्डर देने वाला लगाए होंगे कोई वही ऑर्डर दे देना, भिड़ाओ आपस में भिड़ाओ। अगर ये अपनी लड़ाई का बदला ले, इनको अपमानित करोगे तो किससे ले? तुमसे? तो आपस में मरो। नहीं, मैं आज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जबकि जीवन में मैंने बात कभी कभी नहीं कही, आज मेरी जान चली जाएगी यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। अब आप फांसी चढ़ा दो चाहे, और यहाँ से उठा कोई से जेल बंद कर दो, कहीं ले जाओ, यहीं आगे बैठूंगा जब तक हमारी बहनें बैठी हो ना, जब तक इनका चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, पिछड़ों के मसीहा चंद्रशेखर। ये जिंदाबाद के नारे ना आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं। फिर वो किसी की सुनता नहीं है, उसको लगता तो जिंदाबाद हो गया, ये लड़ाई जिंदाबाद की है ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, वो अध्यापक थे पहले, फिर हेडमास्टर बने, समझ रहे हो? एक सहायक अध्यापक से मेरे पिताजी 68 रुपए की तनख्वाह में भर्ती हुए थे। मैं समझता हूँ अध्यापक कीमत क्या होती है, मैं आपकी कीमत समझता हूँ कि आप अगर तैयार होकर जाओगे तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा। दरअसल यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। योगी सरकार पर आरोप है कि उसने ओबीसी को मिले 27% संवैधानिक आरक्षण का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से ओबीसी की करीब 15,000 सीटों का नुकसान हुआ और उन्हें सवर्णों को दिया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इन भर्तियों में घोटाले की बात को माना है, लेकिन योगी सरकार ना ही सभी सफल कैंडिडेट की लिस्ट सार्वजनिक कर रही है और ना ही आंदोलनकारियों की किसी बात को मान रही है। इस हकमारी के खिलाफ पिछले 70 दिनों से आंदोलन हो रहा है। लखनऊ से विजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।